आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें ये सेकंड वीडियो है। आप पहले तो पहला वीडियो देख लीजिए, अभी सेकंड वीडियो में हम मोटा मोटा पॉइंट्स देखने वाले हैं कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसमें मैं मेरा प्रोफाइल भी दिखाऊंगा, आपको अपना प्रोफाइल भी उसी तरीके से बनाना है। नंबर वन, सबसे पहले तो अपना फोटो जो है वो सही से कोई तो डालिए, कुछ तो सही सब, कोई फैशनेबल फोटो नहीं, पासपोर्ट फोटो या समथिंग विच यू कैन क्लिक एज अ सेल्फी। अब बहुत ओल्ड स्टाइल फोटो नहीं, थोड़ा मैनर्स रखिए, ठीक ठाक फोटो आप डालें। सेकंड इज हेडलाइन। सर हेडलाइन क्या है? तो देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोच, कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आप इसको एडिट कर सकते हो, आप भी कुछ तो अच्छा सा डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ तो डालिए हेडलाइन। अब सर ये हेडलाइन क्या होनी चाहिए, देखो ये कीवर्ड से मैच होना चाहिए। कीवर्ड कीवर्ड मतलब देखो, आप जावा डेवलपर बनना चाहते हो या आप टेस्टर बनना चाहते हो, तो आपने क्या लिखना चाहिए, लुकिंग फॉर अ जॉब ऑन टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टर वर्किंग ऑन द सिलेनियम, समथिंग विच मैचेस विद द योर प्रोफाइल। देखिए आप फ्रेशर हो, कभी नहीं बनाया ना, बहुत टेंशन नहीं लेना, प्रोफाइल फोटो डालने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन के लिए आप चार पांच प्रोफाइल देख लीजिए आपके दोस्तों के, जो अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छा कुछ अपना हेडलाइन डाला है उनसे कॉपी और पेस्ट कीजिए। इसमें कोई टैलेंट नहीं दिखाना है कि बहुत क्रिएटिव कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। लुकिंग फॉर जॉब इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कितना सिंपल है हेडलाइन, जस्ट गो अहेड विद दैट। ओके, उसके बाद ये भी मैंने दिखाया, मैं अपने प्रोफाइल के साथ ही दिखा रहा हूँ, कोई भी एक फोटो डालिए। मुझे नहीं पता आपको ये फोटो कैसा लग रहा है मेरे प्रोफाइल का, बट मैंने अपना दिखाने का ट्राई किया, बाकी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओपन टू बटन दिख रहा है आपको। ओपन टू मतलब कैसा, आपको नया जॉब चाहिए। जैसे आप ये फाइंडिंग न्यू जॉब करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे पूछता है कि कैसा कैसा आपको जॉब चाहिए। तो जैसे आप इसको कर दोगे, वैसे ही जैसे आप इसको सेव कर दोगे, टाइटल वगैरह डाल के जो भी डालना है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, देखो है ना, तो ये इसको करोगे तो अपने आप सॉफ्टवेयर, जैसे इसको सेव कर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा ना, एक बैनर आएगा जिसपे क्या लिखा रहेगा, ओपन टू वर्क। क्या लिखा रहेगा, ओपन टू वर्क, मतलब अच्छा लगता है वो चीज। आपने कई प्रोफाइल में देखा होगा वो कहां से आता है, यहां से, ओपन टू मतलब ओपन फॉर हायरिंग। जैसे देखो मुझे चाहिए कंटेंट राइटर, वी आर हायरिंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं क्या लिखा कंटेंट, पर देखो आप हायर नहीं कर रहे हो, आपको न्यू जॉब चाहिए, तो आप वहां पे क्या करेंगे, ओपन फॉर अ न्यू जॉब, कंटेंट हायरिंग। नेक्स्ट कर दो, देखो यहाँ पे अपने आप एक पट्टा आ जाएगा, बेल्ट आ जाएगा, पोस्ट जॉब, और वहां पे ये देखो दिख रहा है हायरिंग, इस टाइप से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोड वगैरह पूछेगा जो भी है, एंड देन विल बी एबल टू गेट दैट। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। कहने का मतलब था यहाँ पे एक हाईलाइटेड वे में आएगा। तो हमने प्रोफाइल फोटो, देन हेडलाइन की बात की, और फिर ये ओपन टू समझा। उसके बाद क्या कीजिए ना, अपना जो प्रोफाइल है थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए, जरा उसको प्रॉपर कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना क्वालिफिकेशन हुआ एक बार देखिए। आज आपको यहां तक मैं बता रहा हूं, हर चीज सिंपल लगती है बट सिंपल नहीं होती है। मैं सवेरे 5 बजे उठूंगा, बोलने में क्या जाता है, उठते हैं क्या हम, उठना बहुत कठिन है। उसी प्रकार मैंने तो मेरा क्वालिफिकेशन अपडेट किया ही होगा, बहुत आसान है, करने जाओ तो पता चलेगा। आज आप देखेंगे, कमेंट पे लिखिए सही में अभी आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के बैठे हो कि नहीं, मेरे साथ साथ एडिट कीजिए, जरूर अच्छा बनेगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी डालनी है, आपका एजुकेशन क्या है, कौन सी लोकेशन है, वेबसाइट अगर आपकी कोई है, बट I don't expect you to have a website. Don't worry about that. But like that, everything, preposition, top student likhiye, student at Kiran Academy, student at XYZ, anything, your college name, degree, jo bhi hai, wo likhiye. Phir likhne ke baad na ek baar check karo ki yaar mera ye sahi dikh raha hai ki nahi, ye sab cheeze, main jis college mein padha hu, ye dekho education, main jaise Navoday Vidyalaya se padha hu, to maine JNV Nagpur likha hai, और भी अच्छा हो सकता था, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा कर सकता था मैं। फिर मेरा जैसा, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वो मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पे कॉलेज मिसिंग है, राइट, सो आई कैन ऐड माय कॉलेज आल्सो हियर, स्कूल, सो इट्स अ, लेट्स से किट्स रामटेक। देखो फुल नेम देखता हूँ, कवि कुलगुरु आ गया, देखो This is what it is. Kids, समझे? कहने का मतलब यह है कि आप अपने कॉलेजेस का नाम वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। देखो बैचलर,
डिग्री ना, अब मेरी बी है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया, फील्ड ऑफ स्टडी तो मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, राइट। सो लाइक दैट कीप ऑन स्टार्ट डेट एंड डेट। तो जैसे मैंने 2001 में मैंने एडमिशन लिया था, 2005 में मैं पास आउट हुआ, सो काइंड ऑफ एक 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 करके मैं फर्स्ट क्लास में हुआ था, ओके, सो फर्स्ट क्लास आई कैन राइट। सो लाइक दैट यू कैन कीप फीलिंग इट, ओके। स्किल, जैसे मेरे को स्किल थी, जैसा मैं बोलूंगा प्रोग्रामिंग मेरी स्किल थी, ओके, देखो सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, जो भी है, ठीक है। सो लाइक दैट आई कैन सेव इट। जैसे आप सेव करोगे आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे उसने बोला कि यू वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद नेटवर्क बाय सेलिब्रेटिंग दिस माइलस्टोन, हो सकता है मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, बट आपके लिए जरूरी हो सकता है। आप अपने कनेक्ट्स को बताइए कि भाई मैं यहाँ यहाँ पढ़ा चुका हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल, कैन यू सी नाउ, यू कैन सी, जो चीज है एक्सपोज कीजिए, जितना भी अपना क्वालिफिकेशन। तो इस वीडियो में मैंने आपको चार पॉइंट बताए, प्रोफाइल फोटो सही होना चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए सही से, ओपन टू वर्क करके आपको मेंशन करना है, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन सही होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी सही होनी चाहिए, इतनी चीजें याद रखिए। अब सेकंड वीडियो ओपन करते हैं, सेकंड वीडियो में बताता हूँ कि और कौन सी चीजें आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं और क्या करना है आप। बहुत सिंपल रहेगा, जैसे कि वैसा फॉलो कीजिए। मेरा पहला वीडियो देखना ना भूलें, ये दूसरा वीडियो है, कमेंट में लिखिए अगर आप मेरे साथ हो नहीं हो, इसके बाद के वीडियो में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, गेस कीजिए लिंक्डइन में और क्या फीचर रहेगा, आप लिखते हो मैं जरूर पॉइंट्स लेके आऊंगा। मिलते हैं, थैंक यू।